अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद आप लोग सब अच्छे से होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छे से रहना भी चाहिए। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों को दिल से वेलकम। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोगों ने जो टाइटल जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है आप लोगों ने। आज जो रेसिपी जो मैं शेयर करने जा रही हूँ वो है अंडा पूरी। तो इसका जो बनाने का जो मेथड है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैं भी आप लोगों ने इस तरह का कुछ डिश बनाया होगा, उसका नाम कुछ दूसरा होगा, लेकिन ये जो मैं जो बना रही हूँ ये अंडा पूरी करके है, इसका नाम है डिश का। ये एक्चुअली में मेरी भाभी की रेसिपी है, तो जिसमें मैंने आप लोगों को शो किया है, जो मैंने वहाँ पर एक छोटा सा जो प्याज रहा था उसको मैंने चॉप किया है, और छोटा सा ये टमाटर को भी चॉप किया है, क्योंकि सिर्फ 2% के लिए ये बन रहा था तो इतना काफ़ी है। अगर आप मतलब ज़्यादा पर्सन के लिए बना रहे तो आप क्वांटिटी भी उस हिसाब से आप ज़्यादा ले लें। तो यहाँ जो मैदा है, आप मैदा को उसका अच्छा से उसका बैटर बनाने जा रहे हैं, तो मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके उसका अच्छा सा बैटर बनाना है। अगर आप लोग मतलब फर्स्ट टाइम ये ट्राई करना चाहते हैं तो आप लोग इस तरह का क्वांटिटी आप ले सकते जो इसे मैंने लिया है। तो इस तरह से ले बनाए, अच्छा लगा, फिर दोबारा बनाए। ये पता है मुझे इतना अच्छा लगा जो मैंने इसे सेकंड टाइम भी मैंने बोला कि आप मतलब ये सेकंड टाइम भी बनाए, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा खाने में, सॉफ्ट भी था और भी अच्छा था। तो ये देखिए हमारा जो मैदा का जो बैटर है वो कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो चुका है। अब हम लोग इसमें एक इसमें डाल रहे हैं हम लोग। अब इसको भी अच्छा से मिक्स कर देंगे। और आप लोग मैंने यहाँ पर प्याज और टमाटर लिया है, आप लोग इसमें चाहे तो कैप्सिकम भी ले सकते हैं। कैप्सिकम को भी छोटा छोटा उसका शेप में उसका काट के ले ले, क्योंकि वो थोड़ा सा गलने में उसको टाइम लगता है, इसलिए छोटा छोटा करके आप लोग इसे काट ले। तो इसको भी आप लोग अच्छा से मिक्स करें। यहाँ पर बैटर थोड़ा सा पतला हो गया था तो हम लोगों ने क्या किया, फिर 1 टीस्पून मैदा लेके उसको मतलब अच्छा सा मतलब थोड़ा सा थिक में लेके आ गए थे जो ये पतला हो गया था। तो ये देखिए ये मैंने 1 टेबल स्पून एक मैदा मतलब लिया है, उसको मतलब थोड़ा सा मोटा करने में, थिक करने के लिए। तो अब ये जो बैटर बना ये ठीक बना है। अब हम लोग इसमें अपना ये प्याज और टमाटर दोनों डाल देंगे जो चॉप की हुई है। ये खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और ये सॉफ्ट भी बनता है। ये मत सोचो ये हार्ड बनता है, ये सॉफ्ट बनता है। तो आप लोग अगर चाहे इसे आप लोग ब्रेकफास्ट में भी आप लोग इसे मतलब ट्राई कर सकते हैं। और ये मतलब झटपट बनने का ये डिश है, ये आराम से आपका झटपट बन भी जाएगा। तो ये तो डिश सिर्फ खाली बना था मेरा और भाभी के लिए, तो इतना क्वांटिटी ठीक है। तो ये देखिए अब हमारा बैटर पूरा अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। और आप लोग अब इसमें नमक डालें वो अपने स्वाद के अनुसार डालें। आप लोग इसमें ओरिगैनो भी आप लोग दे सकते हैं, या तो आप लोग एक छोटा साइज का जो मिर्चा होता है ग्रीन चिली आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ अब हम ये मतलब गोल मिर्च डाल रहे, गोल मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं। और अब हम इसमें डाल रहे हैं ये चिली फ्लेक्स है, ये जो पिज्ज़ा में जो मिलता है वही उसमें डाल रहे हैं। आप लोग भी खाते होंगे ना पिज्ज़ा, तो ये सब चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो ये सब रखा करें ये सब डिश में, या तो आप ऑमलेट बना रहे उसमें भी आप दे सकते हैं, मैगी में भी दे सकते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट लगता है। तो वो सब चीज़ को फेंके मत, उसको रखा करें। तो आप एक पैन ले लें, अब उसमें आप थोड़ा सा ऑयल डाल दें। अब जब ये ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाएगा तब हम लोग इसमें अपना वो बैटर इसमें डालेंगे। और हाँ, और एक बात बोलना चाहते हैं, आप लोग इसे अपने बच्चे लोगों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, क्योंकि देखो ये तो तीखा नहीं रहता है, ये अच्छा रहता है, ये तीखा बिल्कुल भी नहीं रहता है। हाँ, अगर आप इसमें चिली मतलब ये ग्रीन चिली डालोगे तो मैं भी ये थोड़ा सा तीखा लगेगा, लेकिन उसको अवॉइड कर देना। अगर जैसे बच्चों लोगों को दे रही हूँ बना के तो उसको आप लोग अवॉइड कर देना, सिर्फ डायरेक्ट ये इस तरह से मतलब प्याज और टमाटर दे के भी आप लोग बना सकते हैं। आप लोग इसे अगर बच्चों लोगों को टिफिन में देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। आप लोग इसे ये शाम का नाश्ता में या तो सुबह का नाश्ता में भी आप लोग इसे खा सकते हैं। ये अच्छा बनता है, सॉफ्ट बनता है, टेस्टी भी रहता है।
तो अब हम इसको मतलब एक साइड पूरा अच्छा से फ्राई हो जाए, अब उसको दूसरा साइड अब हमने फ्लिप कर दिया है। और एक बात, जैसे मैं यहाँ पर बड़ा साइज में बना रही हूँ, आप लोग इसे छोटा छोटा साइज में भी बना सकते हैं। तो आप लोग बताएं इस डिश का आप लोग किस नाम से बुलाते हैं। तो ये तो पहली बार मैंने फर्स्ट टाइम सुना इसका नाम अंडा पूरी है। तो आप लोग किस मतलब क्या नाम से बुलाते हैं, तो कमेंट्स में बताएं आप लोग। अगर आप लोग ये मतलब डिश को बनाना चाहते हैं तो वो भी बताएं, और हाँ बनाकर अपना फीडबैक मेरे कमेंट्स में ज़रूर देना, ताकि मुझे मुझे मतलब जानना है कि आप लोगों को मतलब कैसा लगा इसका रेसिपी जो मैंने आप लोगों के साथ जो मैंने शेयर किया। तो आप लोग बनाए खाए मतलब बताए कि कैसा लगा, अपने बच्चे लोगों को भी खिलाए इसे बना के। तो ये अब हमारा तो हो गया है, ये अच्छा से मतलब दोनों तरफ पूरा अच्छा से सेक हो गया, मतलब फ्राइड हो गया है। हम इसमें प्लेट में निकाल लेते हैं, डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये कितना अच्छा देखने में मतलब लग रहा है, और ये काफ़ी ज़्यादा ये सॉफ्ट भी है। तो यहाँ पर मैंने आलू की कुछ सब्जी मैंने ले ली थी, तो मतलब मैं चली दिखाने। आप लोग इसमें मतलब सॉस देकर भी ना खा सकते हैं, आप लोग सॉस देकर भी खाएंगे आप लोग काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को मतलब अच्छा टेस्टी लगेगा। तो यहाँ मतलब मैंने आलू की सब्जी मैंने ऑलरेडी बनाई थी, इसलिए मैंने आलू की सब्जी के साथ भी खाई, और मैंने ऐसे भी खा ली थी बिना कुछ ऐड किए, मतलब ऐसे भी खा ली थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी ना टेस्टी भी लग रहा था। तो आप लोग जिस तरह से खाना चाहते हैं आप लोग खा सकते हैं, आप लोग डायरेक्ट ऐसे खा लें, या तो आप लोग ये सॉस को अच्छे से स्प्रेड करके भी आप लोग खा सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, उसको रोलिंग करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्टी लगा। तो उम्मीद आप लोगों को मेरा ये डिश पसंद आया, अगर पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस तरह के वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें। और आप और क्या बोलूँगी मैं, तो फिर मिलते हैं अगले ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। अपना खूब सारा ख्याल करें, और हम सबको अपनी दुआ में शामिल रखें। जज़ाकअल्लाह। मैं तो जा रही हूँ यार, मैं खा रही हूँ, तो आप लोग भी इसे बनाए खाए, और अपना फीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।